होने की बजाय घर से बाहर निकलिए, इसलिए हमने एक नारा लगाया है कि निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। इन बेईमानों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल होने की जरूरत है। वो कहते हैं कि आप साबित कीजिए कि हम आप नागरिक हैं कि नहीं है। हम कहते हैं बेईमान तुम साबित करो कि हम नागरिक हैं कि नहीं है। हम क्यों साबित करने गए हैं कि हम नागरिक हैं कि नहीं है? कोई आकर के आपको कहे कि आप चोर हैं, आप आतंकवादी हैं, तो आप उसकी बात को मान लेंगे? जो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप चोर हैं, उसको साबित करने दीजिए कि आप चोर हैं कि नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है, हम खुद ही परेशान हो रहे हैं। बाप का डॉक्यूमेंट खोजने के लिए परेशान हो रहे हैं। सच्चाई क्या है इस देश में? सच्चाई यह है कि इस देश के 100 में से 80 लोग ऐसे हैं जिनके पास दादाजी के दादाजी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस देश में लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं हो, रहने के लिए मकान नहीं हो, करने के लिए काम नहीं हो, वो डॉक्यूमेंट की चिंता करेगा? वो सुबह उठता है, काम ढूंढने के लिए जाता है, कहीं हमको काम मिल जाए। और वैसे लोग कौन हैं? वैसे लोग वो हैं जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे छोटे दुकानदारी का काम करते हैं, छोटा छोटा धंधा पानी करते हैं, इस राज्य से लेकर उस राज्य तक रोजी रोटी पालने के लिए अपने घरों को मकानों को छोड़ करके जाते हैं। क्या पता कि उनके दादाजी कहाँ रहते थे और आज उनका पोता जी कहाँ रह रहा है और कल को उनका पोता जी कहाँ रहने के लिए चला जाएगा। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं, ईंट भट्टों में काम करने वाली महिलाएं हैं। आप पूछिए, किसी से भी पूछिए, अपने आसपास किसी से भी पूछिए कि जरा अपने दादाजी के दादाजी का नाम बताना, तो 100 में से 90 आदमी अपने दादाजी के दादाजी का नाम नहीं बता सकता है। ये कैसी बेईमानी शुरू की गई है कि आज हम इस देश में रह रहे हैं, इस देश में हम वोट दे रहे हैं, इस देश में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, इस देश के खेतों में फसल उगा रहे हैं, इस देश की फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इस देश के बाजार में दुकान चला रहे हैं, इस देश में रोड पे बस और ट्रक की ड्राइविंग कर रहे हैं, हम खून पसीना बहा रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, इस देश की चक्का को आगे बढ़ाने के लिए। आप अचानक से आए और कहे कि साबित करो कि तुम्हारे दादाजी के दादाजी इस देश में रहते थे कि नहीं रहते थे। यही सवाल अगर पूछ दिया जाए इस देश में अमित शाह और अमित शाह के मालिक मोदी जी को कि तुम जरा अपने दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी का डॉक्यूमेंट लेकर के आओ।